तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग के कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको बता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में हर बार अपडेट्स आते रहते हैं छोटी छोटी ऐप्स के अंदर, और बहुत सारे अपडेट्स आते रहते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ उसी में से एक ऐप के अपडेट के बारे में, जिसका नाम है सैमसंग कोर सर्विसेज, जिसके अंदर क्या होता है और कैसे इसको यूज़ करते हैं सब मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट यार सबसे पहले आपको मिले, और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों जैसा कि बताया, मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग कोर सर्विस के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए जाना है यहाँ पर, यहाँ जाना है आपको गैलेक्सी स्टोर पे। गैलेक्सी स्टोर में जाने के बाद आपको जाना है अपडेट्स वाले सेक्शन पे। अपडेट्स वाले सेक्शन पे जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे आपको बहुत सारी सैमसंग की ऐप पे अपडेट मिल रहा होगा। तो हमें कहीं नहीं जाना, हमें सीधा जाना है सैमसंग कोर सर्विसेज पे। आपको दिख रहा होगा ये कोर सर्विसेज के अंदर एक नया अपडेटेड मिल रहा है। अब पहले तो बात कर लें इस अपडेट को कब रोल आउट किया गया। नीचे की तरफ आएंगे तो आप देखेंगे इस अपडेट को रोल आउट किया गया 2 मई 2024 को, जिसका अपडेट साइज़ है 138.72 MB का, और इसका वर्जन नंबर है 3.000.56। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नए चेंजेस किए गए। यहाँ पर दो नए चेंजेस दिखे गए हैं। यहाँ पर इंक्लूड द फॉलोइंग अपडेट्स, माइनर बग फिक्सेस किए गए हैं, ऐप स्टेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो इसमें कुछ जो भी बग्स होंगे उसको फिक्स आउट कर दिया गया है, और कुछ रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया है। अब बात करेंगे ये फीचर काम क्या करता है। तो दोस्तों ये काम क्या करता है, जो सर्च करते हैं ना हम अपने मोबाइल में, या जो सजेशन मिलता है हमें, वो सब कोर सर्विसेज के थ्रू मिलता है। जैसा कि यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में देख भी सकते हैं, सैमसंग कोर सर्विसेज ने एप्लीकेशन फॉर क्विक एंड ईजी प्रोविजन ऑफ द मेन फीचर यूज्ड बाय सैमसंग एप्लीकेशन थ्रू द एप्लीकेशन अपडेट्स। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, सैमसंग सर्च में जो सर्च करते हैं ना, तो सर्च इंजन प्लेटफॉर्म का भी काम करता है, गैलरी में भी काम करता है, कॉन्टेक्ट में भी काम करता है, सेटिंग्स में, मतलब हर जगह ये आपका ये काम करता है। अब ये कैसे काम करता है लाइक, ये आपको मैं कुछ स्क्रीनशॉट में बताऊँगा, लाइव बताऊँगा। जैसे कि मान लो आपने गैलरी के अंदर एनिमल सर्च मारा, तो एनिमल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आ रही है ना, जो सर्च हो रही हैं, ये सब कोर सर्विसेज कर रहा है। ऐसे ही कोई अगर आप कैलेंडर में कोई डेट डाल रहे हो, बाय डिफॉल्ट डेट उठा रहा है, तो ये भी सब आपका कोर सर्विसेज कर रहा है। हैशटैग आपको सजेशन में दे रहा है, ये भी कोर सर्विसेज कर रहा है। जैसे आपने स्क्रीनशॉट लिया वो हाईलाइट करके बता रहा है, स्मार्ट सेलेक्ट, ये भी कोर सर्विसेज में आता है। आप यहाँ पर फिल्टर फाइंड में भी कुछ सर्च मारते हैं, ये भी कोर सर्विसेज में आता है। तो इसको एक्यूरेसी बढ़ा दी गई है और अच्छे से आप कर सकते हैं। मैं आपको एक नॉर्मल एक्सपीरियंस बताता हूँ, लाइक ये मेरा है, ठीक है, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पर एडिट पे क्लिक किया। अब एडिट पे क्लिक लेने के बाद उसने ऑटोमेटिक उसको पहले तो कर लिया है कि एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी है सब हटा दिया। तो ये भी कोर सर्विस करती है। इसमें एक ऑप्शन और होता है, लाइक फोटोज़ होती है ना, उनको अलग से वो हाईलाइट कर देता है। जैसे उसने इतना पार्ट जो हाईलाइट करा है ना बॉक्स बना के, तो ये सब सैमसंग कोर सर्विस ही करता है। ये आप देखेंगे तो ये जो बॉक्स बना के हाईलाइट कर रहा है ना, ये सैमसंग कोर सर्विसेज करता है, उसके थ्रू ये काम होता है। वो आपको सजेस्ट करता है कि आप इसको ऐसा कर लो, तो आप यहाँ पर शॉर्टकट क्लिक कर पाएंगे। उसके अलावा जैसा कि आप यहाँ सर्च करते हैं, लाइक मैंने यहाँ पर सर्च किया सैमसंग, ठीक है, तो ये जो सर्च करके जो बता रहा है ना, ये सब चीज़ें, ये भी कोर सर्विस का ही पार्ट है, और ये कोर सर्विस में काम करता है। तो इसको इम्प्रूव किया गया है, इसकी स्पीड, बक्सेस और स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। तो इससे आप काफ़ी हद तक सर्च कर पाएंगे और अच्छे से अच्छा सर्च कर सकते हैं, मतलब स्पीडली आप क्विकली उसका एक्यूरेसी को आप यहाँ पर कर पाएंगे। जैसे ये यहाँ पर काम आएगा आपके, आप कॉन्टेक्ट में सर्च करते हैं या सेटिंग्स में जाते हैं, सेटिंग्स में जाके आप यहाँ पर सर्च करते हैं, जो यहाँ पर जो सजेशन आपको जो दिखते रहते हैं, ये सब इसी का ही पार्ट है। जैसे वाईफाई कॉल किया, तो ये सब इसी का ही पार्ट है, सब उसके थ्रू ही सर्च एक्यूरेसी में बढ़ाता है। और ऐसे ही मान लो मैं गैलरी में जाऊँ और यहाँ पर मैंने अपने आप की फ़ोटो को सर्च मारा, ठीक है, सॉरी ये तो एक नॉर्मल हो गया, मैंने यहाँ पर लिखा वाटर, तो मैंने ये लेक लिखा। अब लेक की जहाँ जहाँ फ़ोटोज़ होंगी ना, वो सब सर्च कर लेगा। तो ये सर्च करने का जो काम करता है कोर सर्विसेज करता है, तो उसको अपडेट कर दिया गया, उसके एक्यूरेसी को बढ़ा दिया गया, ताकि आप इजीली और अच्छे से अपना काम कर सकें। तो यही नया अपडेट था। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी नए अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो मैं डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस रिलेटेड, या कुछ भी आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो,
और वीडियो और चैनल को शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी नई अपडेट्स सब तक पहुंच पाए। इतना से सब कुछ कर ही लोगे तो मुझे व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर लेना, मेरे चैनल पे जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।